नमस्कार मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर अनुपूरक बजट आज लेखानुदान 12 फरवरी को विपक्ष ने की हरदा हादसे पर चर्चा की मांग विधानसभा अध्यक्ष करेंगे फैसला मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार के कार्यकाल का पहला और वर्तमान वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट गुरुवार को पेश किया जाएगा इसके साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है की सोमवार बारह फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा इधर हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद हुए जान माल के नुकसान को लेकर भी विपक्ष ने सदन में चर्चा की मांग की है जिसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर करेंगे वहीं विपक्ष इस मामले को सदन में उठाएगा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन की कार्यवाही पर चर्चा बुधवार को ही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में गुरुवार को होने वाली सदन की कार्यवाही को लेकर चर्चा की गई इस बैठक में तय हुआ कि 8 फरवरी को प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्य किए जाएंगे और वित्त संबंधी विभिन्न पत्रों को उप मुख्यमंत्री वित्त और वाणिज्य कर विभाग के मंत्री जगदीश देवड़ा सदन के पटल पर रखेंगे इसके अलावा ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी सदन में पत्र पटल पर रखेंगे इसी कार्यवाही के दौरान वित्त मंत्री देवड़ा की ओर से द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा जिस पर 9 फरवरी को चर्चा कराई जाएगी गुरुवार को 12 फरवरी को सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी बारह फरवरी को आएगा लेखानुदान वित्त वर्ष दो हजार के लिए चार माह के खर्च को लेकर लेखानुदान अंतरिम बजट 12 फरवरी को पेश होगा प्रश्नोत्तर काल के बाद शासकीय कार्यावधि में इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी इसके बाद 13 व 14 फरवरी को अंतरिम बजट पर चर्चा की जाएगी हरदा मामले में चर्चा का फैसला अध्यक्ष करेंगे विधानसभा में बुधवार को पौन घंटे तक चली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने हरदा विस्फोट मामले में चर्चा का मसला उठाया था इस पर सत्ता पक्ष ने भी सहमति दी है बचाव के लिए उठाए गए कदमों पर भी बात हुई इसके बाद दोनों ही दलों के नेताओं ने हरदा विस्फोट पर चर्चा के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को अधिकृत किया है वही चर्चा के समय और स्वरूप को लेकर फैसला करेंगे और सदस्यों को इससे अवगत कराएंगे कार्य मंत्रालय समिति की बैठक में हरदा मामले में मृतकों को श्रद्धांजलि भी दी गई है अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़िया दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहाई बाईपास शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकर्स एंड मूवर्स है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें डबल एट टू वन ट्रिपल जीरो सेवन वन सेवन